अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ कुकिंग शो विद अनाया। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे कीमे के राइस जो होते हैं, कीमे वाले राइस। और पहले हम कीमा तैयार करेंगे, उसके बाद हम राइस बनाएंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी जो है स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो हमारी रेसिपीज़ को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो ये बहुत मज़ेदार राइस बनते हैं, आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये बीफ का कीमा है, ये जो कीमा है मशीन वाला नहीं है, ये हाथ से बनाया हुआ कीमा है, तो ये हम ले लेंगे। उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने फ्रोज़न है वो डाल दिया है। उसमें मैं एक मीडियम साइज़ का जो प्याज है वो ले लूँगी, उसको रफली चॉप करके वो शामिल कर दूँगी। साथ ही मैं इसमें एक छोटा सा टमाटर शामिल कर दूँगी ताकि जो कीमे की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए और कीमे में से जो स्मेल आती है वो ना आए। साथ इसमें मैं नमक 2 टीस्पून शामिल करूँगी, क्योंकि ये राइस बनाने हैं तो इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, तो इसलिए मैं इसमें 2 टीस्पून शामिल कर दूँगी ताकि जो हमारा कीमा है वो बिल्कुल फीका फीका सा ना रहे, अंदर तक इसमें नमक जो है ना वो रच जाए। और साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। अब मैं एक छोटा सा टमाटर लूँगी वो भी इसमें शामिल कर दूँगी और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो हमने इसको इतना पकाना है कि जो हमारा कीमे का पानी है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए, कीमा हमारा जो है वो अच्छी तरह गल जाए। तो तब तक हमने इसको जो है ना वो पका लेना है। तो हम इसको अभी प्रेशर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, वरना आप इसको हल्की सी आंच पर ऐसे ही छोड़ दें ताकि जो हमारा कीमा है वो अच्छी तरह पक जाए और जो इसका पानी है वो ड्राई हो जाए। और ये देखिए हमारे जो कीमे का ना वो पानी जो है थोड़ा सा वो भी हम ड्राई कर लेते हैं, ये थोड़ा पकता है तो उसमें से धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो वो अच्छी तरह नज़र नहीं आ रहा। अभी थोड़ा सा पानी है इसको ड्राई करते हैं, उसके बाद हम राइस बनाने की तरफ चलते हैं। ये देखिए कीमा जो है वो मशीन वाला नहीं है, ये हैंड वाला कीमा है, इसीलिए थोड़ा मोटा मोटा सा है। और ये कीमा जो राइस में है ना हाथ से बना हुआ है, ये बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम एक पतीला ले लेंगे जिसमें हमने राइस बनाने, उसमें मैंने 1 कप जो है ऑयल का शामिल कर दिया है। साथ ही मैंने 1 इसमें प्याज जो है ना वो काट कर बारीक बारीक वो शामिल कर दिया है। तो अगर आप लोगों को हमारी रेसिपीज जो है वो अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो कैसी लग रही हैं। तो हमारा जो प्याज है वो देखें हल्का सा लाइट गोल्डन कलर का हो गया है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टमाटर डालूँगी इसके अंदर, 1 डाल लें 2 डाल लें आपकी मर्ज़ी है। लहसुन अदरक जो हमने है वो कीमे में भी शामिल किया है इसलिए हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी क्योंकि जो राइस है ना वो अच्छे लगते हैं, थोड़ा उसमें टमाटर का फ्लेवर जो आता है ना तो वो अच्छा लगता है। तो अभी हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें डाल दूँगी मैं कीमा, क्योंकि कीमे में हमने पहले ऑयल शामिल नहीं किया था। तो अब हम कीमे की भुनाई करेंगे पहले, फिर इसके बाद हम राइस बनाना स्टार्ट जो राइस है ना उसके मसाले शामिल करेंगे। तो अभी हम इसमें पहले कीमा डालेंगे, इसकी अच्छी तरह हम भुनाई करेंगे, साथ ही इसमें हम मसाले भी शामिल करेंगे। मसालों में मैं शामिल करूँगी नमक, ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला। रेड चिली मैं इसमें नहीं डाल, रेड चिली पाउडर मैंने इसमें नहीं शामिल किया, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप शामिल कर सकते हैं, मगर हमारे घर में बहुत कम यूज़ होती है रेड चिली जो पाउडर है तो इसलिए मैं नहीं शामिल कर रही, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप डाल सकते हैं। ये देखिए कीमा हमारा जो है वो अच्छी तरह भून चुका है, उसने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी शामिल करेंगे, आप अपने राइस के हिसाब से पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरे 1.5 kg राइस थे, मैंने उसी हिसाब से इसमें पानी शामिल किया है। पानी को जब बॉयल आ जाएगा, कीमा तो हमारा गल चुका है, पानी को जैसे ही बॉयल आएगा हम इसके अंदर राइस शामिल कर देंगे। ये देखें हमारे जो राइस का पानी है वो अच्छी तरह बॉयल हो चुका है, तो इसमें अब हम राइस डाल देंगे। राइस डालने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि जो राइस है हमारे फूल जाएँ, और उसके बाद हम इसमें नमक चेक करेंगे कि हमारा नमक पूरा है या कम है, तो
उसके बाद हम बताते हैं फिर हम क्या करेंगे। ये देखिए हमारे राइस जो है वो अच्छी तरह फूल चुके हैं, और ये देखिए जो हमने बाद में इसमें टमाटर शामिल किए थे वो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो जब हम इसको दम खोलेंगे तो वो उसमें नज़र आएंगे, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें 1 टीस्पून भरकर नमक और शामिल कर दिया। तो अब मैं इसको ना दम लगा दूँगी। थोड़ा सा पानी है कि देखिए राइस में, तो इसी थोड़े से पानी के अंदर ही हम इसको दम लगाएंगे। दम जो है वो 15 मिनट का मैंने इसको दम लगाया है। तो आप भी इसी तरह राइस बनाएं कीमे वाले, और ये बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो बच्चे खाते नहीं हैं कीमा, तो इस तरह राइस बनाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चे खा लेंगे। ये देखिए हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह राइस जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत ही खिले खिले से और बहुत फ्लेवरफुल और बहुत यम्मी से राइस हमारे जो हैं वो तैयार हैं। बहुत मैंने मसाले नहीं इसमें डाले, बहुत कम मसालों के साथ हमने इनको बनाया है। तो आप भी ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि कैसी लगी रेसिपीज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।